इज़राइल की शोली पिंटो 35 साल की एक कर्णबधिर महिला है। वह यामिना पार्टी की सदस्य है। पिंटो इज़राइल के संसद की पहली कर्णबधिर सदस्य बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिंटो रमत गन में रहती है और उसकी शादी एक कर्णबधिर व्यक्ति माइकल कदोश से हुई है। वह इजरायली सांकेतिक भाषा में पारंगत है और इजरायली सेंटर फॉर डेफ स्टडीज के संस्थापकों में से एक है। उन्होंने इजरायली वायु सेना में भी सेवा की है। पिंटो का जन्म और पालन पोषण इजरायल के क्रायोत में हुआ था। उसके पिता कर्णबधिर है और मां डेफ ब्लाइंड है और पूरा परिवार सांकेतिक भाषा में पारंगत है। उन्होंने खुद देखा है कि जब वे अपने परिवार के साथ सांकेतिक भाषा में आसानी से संवाद करती है, तब लोगों को समाज में सुगम्यता में बाधाओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी सांकेतिक भाषा का उपयोग नहीं करता है। उन्होंने बारलान विश्वविद्यालय के सांकेतिक भाषा दुभाषीय कार्यक्रम में व्याख्याता के रूप में कार्य किया और विकलांगता मामलों पर स्वयंसेवक के रूप में रमतगर म्यूनिसिपैलिटी में सलाहकार का कार्य किया। उन्होंने टीवी वृत्ताचित्र श्रृंखला में भी काम किया था, जिसका नाम था मुशलामिम, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है परफेक्ट। यह विकलांग लोगों के बारे में था। मई 2015 में वह भारत आई और स्वयंसेवक के रूप में एक महीने के लिए मध्य प्रदेश में इंदौर के इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी में रही। उन्हें आईडीबीए में छात्रों और शिक्षकों के साथ सांकेतिक भाषा में संवाद करना पसंद था। उन्होंने कर्णबधिर छात्रों को कई दिलचस्प खेल सिखाए और छात्रों में सशक्तिकरण और जागरूकता पैदा की। पिंटो विकलांग लोगों को सशक्त बनाए और उन्हें सुगम्यता प्रदान करने के लिए एक कट्टर समर्थक है। वह विकलांग और बिना विकलांग लोगों का भी समर्थन करती है। संसद सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति पर पिंटो ने ट्वीट किया, मैं आपकी वफादार दूत बनने के लिए सब कुछ करने का वादा करती हूं।